Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Mohammad Rafiq Maisar. Dear student, today we will continue. Here we have selected the field mouse. The field mouse is a poya. It's an English text of class 7. So dear student, today we will do the textual reading and we will be followed with interpretation. So shall we start our textual reading of field mouse? Page number is 49. So the field mouse. Summer and the long grass is a sneerdun. Summer or long grass. Long grass का मतलब है summer में जो grass होता है बहुत बड़ा हो जाता है. Is a sneerdun. Sneerdun is a drum which has a string stretched across it so that it makes a rattling sound. Mean वो drum होता है जिसके surrounding स्ट्रिंग्स होती हैं और वो जो रेटलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है तो हम उसको स्नेयर ड्रम कहते हैं. द एयर हम्स विद जेट्स. जो एयर है उसकी जो ट्यून है वो जैसे जेट्स वगैरह होते हैं, जैसे वो एरोप्लेन्स होते हैं, इस जैसी चल रही है. डाउन एट द एंड ऑफ मेडो मीन वो जो ग्रीन फील्ड है. मेडो का मतलब है ग्रीन फील्ड, मीन वो जो सरसब्ज मैदान होता है. Down at the end of meadow, far from the radio's terrible news, mean जब वो रेडियो की वो जो किसान होते हैं, वो जो farmers होते हैं, वो यूज़ करते हैं रेडियो. रेडियो यूज़ करते हैं इसलिए कि वो न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, मौसम, they are listening news about the weather, that about when weather will come, mean वो weather कैसी होगी next days के लिए, क्योंकि वो care करते हैं अपने crops का. Far from the radio's terrible news mean radio पे एक terrible news mean खौफनाक news चल रही होती है. We cut the hay all afternoon. Hay का मतलब है grass and all afternoon mean वो cut करते हैं, वो cut कर जाते हैं अपना grass जो होता है, वो जो feed होता है. All afternoon mean पूरा afternoon जब होती है. It wears bricks of before the tractor blade mean वो grass cut करते हैं, उसके बाद वो ट्रैक्टर आता है जो ब्लेड मीन जमीन को हल चलाता है, जो प्लो करता है और वो जमीन को सेट करता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए. ब्लेड का मतलब है वो जो उसके बाद एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है, जिसके थ्रू वो जमीन को सेट करता है. अब द हेज आवर नंबर लेवल्स इज फीड. अब द हेज, हेज का मतलब है जो बुशेज वगैरह होती हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं. अब नेबर्स हमारे जो पड़ोसी हैं ट्रेवल्स, वो आते हैं इस फील्ड, वो अपने फील्ड में आते हैं जमीन पे. इन अ क्लाउड ऑफ लाइम. लाइम का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो यूज़ करते हैं फार्मर्स किसान अपने फसल की फर्टिलाइजेशन को, अपने पैदावार को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए. ड्रिफ्टिंग अवर लैंड, वो मूव करते हैं लैंड को विद अ चांस गिफ्ट ऑफ स्वीटनेस. चांस मीन वो मौका होता है, गिफ्ट होती है, एक मौका होता है. स्वीटनेस मीन प्यार, राजा मीठा. The child comes running through the killed flowers. Child आता है एक killed flower. Killed flowers का मतलब है मुरझा हुआ फूल लेके. His hands are nest of quivering mouse. उसके हाथ में एक treble shaking करता हुआ mouse होता है, जो मरने वाला होता है. Quivering का मतलब है मरने वाला. Its black eyes two sparks burning. उसकी जो black eyes होती हैं, वो sparks करती हैं. Mean वो जलती हैं या उसमें sparks होती हैं या रोशनी होती है. We know it will die and ought to finish it off. Mean हमें पता है कि वो die हो जाएगा. Mean हमें वो मर ही जाएगा, वो मर जाएगा और हमें अपना काम finish करना, खत्म करना. It curses an agony biggest itself. उस curse का मतलब है curly hair. Mean उसके जो curly hairs हैं, in agony, agony का मतलब है खौफ हरास में, biggest itself. Mean उससे बड़े होते हैं. And the stars goes out in his eyes. इसे लग रहा होता है कि उसके eyes में कोई stars चल रहे होते हैं. Summer in Europe, जब summer Europe में आती है, the fields hurt, जो field होते हैं, hurt का मतलब है वहाँ झोपड़ियाँ वगैरह होती हैं. And the children kneel in the long grass. Kneel का मतलब है knees, जो उनके जो घुटने होते हैं उन पे, उनके बलबूते पे, उनके सहारे वो grass पे लेटते हैं. Staring at what we have cursed, वो stare करते हैं, वो देखते हैं कि हमने cursed का मतलब है broken, हमने कौन सा फसल जो है वो broke कर लिया है. Before days done, the field lies bleeding. जब day खत्म होता है तो field जो होता है, फसल होता है, उसको वो tractor जो होता है वो bleed कर रहा है, उसको वो उसको tractor के थ्रू जमीन को सेट करते हैं. The dust garden inhabited by the sand boss. जब dust
आती है, मीन जब नाइट आती है तो वो वॉल्स जो होते हैं, वॉल जो डियर स्टूडेंट वॉल्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ एक वो माउस लाइक एनिमल्स होते हैं, लेकिन वो सिमिलर माउस होते हैं, लेकिन उनका जो नोज वगैरह हेड जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। फ्रॉग अ नेस्ट ऑफ माइस जो चूहे के चूहों के वो जो नेस्ट होते हैं, द रूम दैट वॉक फ्रॉम अ र्यूमर ऑफ पेन वोंट हील। र्यूमर ऑफ पेन का मतलब है जो झूठी अफवाहें होती हैं वो कभी भी हील नहीं होती, कभी भी वो जख्म जो झूठी अफवाहों से मिलते हैं वो कभी भी फुल नहीं होते, हील नहीं होती। एंड वी कैन नॉट फेस द न्यूज़पेपर्स, और हम न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को फेस नहीं कर सकते। ऑल नाइट आई ड्रीम द चिल्ड्रन डांस इन ग्रास, पूरी रात में ये सोचता रहा कि जो बच्चे हैं वो डांस करते हैं ग्रास में। देयर बोन्स ब्रिटल एज माउस रिब्स, ब्रिटल का मतलब है फ्लेक्सिबल, जो बच्चों के बोन्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि चूहों की रिब्स होती हैं। हियर द पोएट इज कंपेयरिंग द बोन्स ऑफ चिल्ड्रेन विद द रिब्स ऑफ माइस, वो ऐसे कंपेयर करता है कि जो जो चिल्ड्रेन के बोन्स होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, वो बहुत इनफ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि माउस की रिब्स होती हैं। देयर इज देयर एयर स्टैमरिंग विद गन फायर, जो एयर होती है स्टैमरिंग का मतलब रिपीटिंग सेम साउंड अगेन एंड अगेन, तो उसे जो गन फायर का साउंड होता है। माय नेबर रन स्ट्रेंजर, माय मेरा जो नेबर है पड़ोसी है वो स्ट्रेंजर अजनबी बन जाता है। बाउंडिंग माय लैंड विद स्टोन, और मेरे लैंड में बाउंडिंग का मतलब है एक्ट ऑफ इन्फ्लेक्टिंग बाउंड विद लैंड से विद स्टोन, और वो जो नेबर्स होता है वो शायद पत्थर फेंकता है उसके ज़मीन पे, शायद वो ही इज गोइंग टू हॉन्ट दी वॉल्स आर माइस। So dear student, it's the poem The Feed Mouse we have gone through. We did its textual reading and its interpretation. And this The Feed Mouse is written by Galen Kinnaird. And we have already studied about the Galen Kinnaird in previous lecture. That he was the best poet who writes in English. ये एक best poet था जो English में लिखता है. She lives. This was a poet. Mean she was a girl. She lived like on a small farm in the rural Wales. वो एक small farm में रहती है rural Wales में, which is a part of United Kingdom. She belongs to the United Kingdom. She has published 7 books of her poems. उसने 7 books publish किए poems के, and she devoted a considerable amount of her time to sharing love of poverty with school pupils. और उसने एक बहुत सारा amount जो time था वो school के pupils के साथ spent किया। The Feed Mouse is about this war, but it's very different from the text about war which you have wrote in this unit. Actually, the Feed Mouse जो है वो it's relating somehow with the war. इसके जो concept हैं, इसके जो ideas हैं, वो war के के लिए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा different है war से। The poet doesn't express her feeling by describing the war directly. जो poet है वो war को describe नहीं कर सकता directly, but by describing a day spent on the farm cutting the hay, mean वो describe करता है एक दिन उसका जो पास गुजरा, और वो जो poet थी वो farm में hay को cut कर रही थी, और वो experience describe कर रही है। Dear students, while all about the reading poem The Feed Mouse and we did its textual reading. If you have any question regarding today's lecture, you can comment our YouTube channel. And thank you for watching today's video. Thank you.